जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अम्मा व अहलु। टुडे आवर लेक्चर इज़ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का एक हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीकॉम में पेपर में आता है। वैसे ये अकाउंटिंग का भी हिस्सा है, अकाउंटिंग में भी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी पहचान हमें करनी होती है। टैक्स ने इसको किस तरह बयान किया है, आप ज़रा इसको डिटेल से देखेंगे। पहले नंबर पर मैंने लिखा है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नीचे, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज टैक्स इज़ ओनली लेवीड, लागू होता है ऑन रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। यह रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर अप्लाई होता है, ना कि कैपिटल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर पर अप्लाई नहीं होता। इनकम फ्रॉम बिजनेस के हवाले से हम बात करें, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम देख लेते हैं उसको, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को। देयरफॉर सम टेस्ट्स आर यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ टेस्ट यूज़ होते हैं जो कि नीचे गिवन है। खैर, उससे पहले हमने ज़रा देखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर दोज एक्सपेंडिचर विच आर इंकर्ड एंड हैव अ बेनिफिट मोर देन वन ईयर, वो खर्चे जो वजूद में हैं और आप अदा करें और उनका बेनिफिट कई साल तक आप उठाएँ, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये डेली के एक्सपेंडिचर हैं या रेगुलर हैं। दोज एक्सपेंडिचर विच आर इंकर्ड एंड हैव बेनिफिट अप टू वन ईयर, यानी ये वो खर्चे हैं जो इंकर्ड तो होते हैं लेकिन आप इसका बेनिफिट सिर्फ एक साल तक उठा सकते हैं, इससे ऊपर इनका कोई बेनिफिट नहीं होता, एक साल या एक साल से कम होता है। टेस्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन, अब कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दरमियान जो टेस्ट है, टेस्ट के जो रूल्स गिवन हैं टैक्स के अंदर मुअज़्ज़म मुग़ल साहब के हिसाब से, तो उनको हमने ज़रा डिस्कस करना है। पहले नंबर पर हमारे पास है परचेजिंग एन एसेट, नंबर टू पीरियड ऑफ बेनिफिट, नंबर थ्री इनिशिएशन ऑफ बिजनेस, नंबर फोर एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, नंबर फाइव प्रिंसिपल ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। तो पहला हमारा रूल है, टेस्ट है परचेजिंग एन एसेट। परचेजिंग एन एसेट टैक्स के हिसाब से दो किस्म के एसेट होते हैं। अकाउंट में तो पाँच छः किस्म के एसेट हैं लेकिन टैक्स ने उनको दो किस्म का एसेट कहा है। एक होते हैं फिक्स एसेट और एक होते हैं फ्लोटिंग एसेट। जो फिक्स एसेट हैं उनको जब आप खरीदते हैं उनकी जो अमाउंट पे करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाती है, जो फ्लोटिंग एसेट हैं उनको जब आप खरीदते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाती है। इनके एग्जांपल उसने आगे दिए हैं, जिस तरह कॉटन जिनिंग फैक्ट्री बुक में भी गिवन है, कॉटन जिनिंग फैक्ट्री है उसको कॉटन जिनिंग मशीनरी लेनी पड़ती है, जब वो मशीनरी लेती है तो जो अमाउंट पे करती है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, और जब वो मशीनरी नहीं लेती कॉटन लेती है उसके प्रोसेस के लिए, कॉटन भी एक रॉ मटेरियल है वो भी एक एसेट है, इसको फ्लोटिंग एसेट कहते हैं या सर्कुलेटिंग एसेट कहते हैं। इसकी जो अमाउंट वो पे करती है वो क्या बन जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी वो जो आप उसको बनाएंगे उसको सेल करेंगे, फिर बनाएंगे फिर सेल, नया से नया माल आप लेंगे उनको सेल करते जाएंगे। तो यानी ये हमारे पास है परचेजिंग एन एसेट, फिक्स एसेट एंड फ्लोटिंग एसेट। एग्जाम्पल भी गिवन है आपको, सारा इसके डिटेल से पता चल गया। नंबर टू पीरियड ऑफ बेनिफिट्स, ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट मोर देन वन ईयर हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके एग्जांपल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, अब न्यू प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है उसका बेनिफिट कई साल तक आपको है, उसकी एडवर्टाइजमेंट कई साल तक वजूद में रहेगी। और ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी जिसका बेनिफिट अप टू वन ईयर हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एग्जांपल डे टू डे एडवर्टाइजमेंट, यानी नई प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं जो पहले वीक या पहले मंथ जो उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है पूरे एरिया के अंदर, जो अब आप उसको एडवर्टाइज़ करते हैं किसी मुल्क में या पूरी वर्ल्ड में, तो वो जो एक्सपेंडिचर आते हैं वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। लेकिन जब वो चलती रहती है प्रोडक्ट और डे बाई डे आप एक्सपेंडिचर करते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिस तरह पेप्सी और कोक के रेगुलर एक्सपेंडिचर हो रहे हैं आजकल, हालांकि पूरी दुनिया में मानी हुई प्रोडक्ट हैं, ये डे टू डे एक्सपेंडिचर हैं, ये हमारे पास क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जो पहले पाकिस्तान में यूज़ हुई है, अब नई प्रोडक्ट इसके मुकाबले में आई हैं, कई प्रोडक्ट आई हैं, जिस तरह हमारे पास एक गौरमे है या थम्सअप है, ये जब न्यू इनने लॉन्च किए उस वक्त जो इनकी एडवर्टाइजमेंट थी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर थी। इनिशिएशन ऑफ बिजनेस, इनिशियल कहते हैं बुनियादी खर्चे, इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड रेगुलर एक्सपेंडिचर। इनिशियल एक्सपेंडिचर जब भी आप किसी बिजनेस के अंदर अदा करेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएंगे, और रेगुलर जब भी किसी बिजनेस के अदा करेंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएंगे। एग्जांपल क्या है, जिस तरह कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, जब आप कारोबार स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिल्डिंग बनानी पड़ती है, परचेजिंग ऑफ पेटेंट, पेटेंट खरीदने पड़ते हैं, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपको लाइसेंस वगैरह इशू करवाने पड़ते हैं, ये जितने भी खर्चे आते हैं इनिशियल वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
उसके बाद जब बिज़नेस चल पड़ता है तो आपको स्टाफ को सैलरियाँ देनी पड़ती हैं, छोटे मोटे इंटरेस्ट देने पड़ते हैं, तो ये जितने भी हैं डे टू डे बिल्स पे करने पड़ते हैं, यूटिलिटी बिल्स, वो सारे हमारे पास रेगुलर एक्सपेंडिचर हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ बिज़नेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिसके करने से बिज़नेस आपका एक्सपेंड हो जाए, फैल जाए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। और ऐसे खर्चे जिससे जिसके करने से आपका बिज़नेस एक्सपेंड ना हो सके, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। एग्जांपल है न्यू बिल्डिंग, न्यू प्लांट, आपका बिज़नेस चल रहा था, आपने कुछ सालों बाद नई बिल्डिंग बना ली, नया प्लांट खरीदा, तो अब आपका बिज़नेस इसका मतलब एक्सपेंड हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या उसी पुराने प्लांट और बिल्डिंग के ऊपर आप काम करें तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। उसके बाद लास्ट आपके पास है प्रिंसिपल्स ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, इसमें मैंने लिखा इंक्रीज कैपेसिटी, ऐसी वर्किंग आप करें जिससे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए, आपकी मशीनरी की कैपेसिटी, आपके प्लांट की कैपेसिटी पहले से बढ़ जाए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और जिससे आपकी कैपेसिटी चेंज ना हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, यानी सेम कैपेसिटी। जिस तरह न्यू डिवाइसेज हैं, आपके प्लांट का कोई टुकड़ा बार बार टूट रहा था, आपने उसकी न्यू डिवाइस डलवा दी, उसका न्यू इंजन चेंज करवा दिया, तो बड़ा खर्चा क्या, न्यू डिवाइस, न्यू इंजन लगवाया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। अगर वर्न आउट पार्ट्स, आपका जो पार्ट टूटता है, कोई पेच है, कोई छोटा मोटा टुकड़ा है, आप उसको निकाल कर नया लगा देते हैं, तो ये इसकी अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ता, सेम उसके वो प्रोग्रेस होती है जैसे वो पहले दे रही होती है, तो ये हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाती है। तो ये आपके पास डिटेल से क्वेश्चन है, बी काम और एम काम के पेपर में लाजमी देता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।